बुधवार से नाबालिग बेटी की बरामदगी को लेकर एसएसपी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे परिवार को आज लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार राठौड़ ने भी आज परिवार का समर्थन देते हुए आज मंडल आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। हम आपको बता दें कि पीड़िता की पुत्री 7 माह पूर्व से लापता है, जो अपनी नानी के घर से काशीराम नगर बी ब्लॉक मकान नंबर 117 ट्रिपल स्टोरी मुरादाबाद से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली थी। देर समय बीत जाने के बाद भी जब पुत्री घर वापस नहीं लौटी तो बच्ची के परिवार वालों ने थाना मंझोला में इसकी शिकायत दर्ज करी। पीड़ित के परिवार का कहना है कि इतने लंबे समय से एफआईआर होने के बाद भी अपहरणकर्ता विष्णु शर्मा के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही। पीड़ित परिवार की मांग है कि उनकी नाबालिग पुत्री को जल्द से जल्द बरामद किया जाए और विष्णु शर्मा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। पीड़ित परिवार को लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना समर्थन दिए जाने की घोषणा की और पीड़ित परिवार के साथ लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार राठौड़ धरना स्थल पर बैठ गए। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार राठौड़ ने बताया कि क्या नाम आपका? डॉक्टर अरविंद कुमार राठौड़, जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी मुरादाबाद। जी, क्या समस्या आज, क्या मामला है? देखिए, आज ये समस्या है, एक महिला पीड़ित है जो उनकी लड़की 13 वर्षीय नाबालिग लगभग 7 महीने से लापता है। पुलिस अभी तक उनको बरामद नहीं कर पाई। उसके समक्ष अपना समर्थन दे करके हमारी महिलाएं भी धरने पर बैठी हैं, हम भी बैठे हैं। लगभग 6-7 दिन उस पीड़ित महिला को इस बारिश में, इस रात में, इस दिन में बैठे हुए धरने प्रदर्शन पर हो गए हैं। शासन प्रशासन सुनने का नाम नहीं ले रहा है। हमारी मांग है लोक जनशक्ति पार्टी मुरादाबाद की तरफ से शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे कि पहली बात तो उस महिला को सुरक्षा देनी चाहिए थी कि रात में अकेले यहाँ पर किस प्रकार से इस बारिश में रह रही है, और उसकी लड़की को जल्द से जल्द नाबालिग को बरामद कर उसको सुपुर्द कर दिया जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। वहाँ पर काशीराम नगर की तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो बरकरार चल रही हैं काफ़ी वर्षों से, वहाँ कोई भी प्रशासन इस प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है। गरीब महिलाओं को उत्पीड़न कई वर्षों से होता चला आ रहा है, जैसे कि कम्मो शर्मा जी का, रूप कुमार वर्मा, तमाम हर दिन हर रोज़ किसी न किसी प्रकरण को लेकर के दबाव देता रहता है, लोगों से पैसे लेता है। काशीराम नगर में मकान खाली पड़े हैं, उनमें रखवाता है, जो पैसे नहीं देता उनको मुकदमे झूठे कराता है या उनसे जान से मारने की धमकी दे करके डरा डरा करके उनसे पैसे लेता है। वही काम कम्मो शर्मा जी के साथ चल रहा है। उससे पहले मुन्नी देवी हैं, एक जाटव है, दलित समाज से हैं, दलितों की आवाज़ हमेशा हम लोग उठाते रहे, माननीय रामदास पासवान जी हमारे उठाते रहे हैं। दलितों की मुन्नी देवी के पति को खूब मारा पीटा और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, कोई कार्रवाई आज तक नहीं। उसके बाद मुन्नी देवी को काफ़ी मारा पीटा, इनका कूला उला टूटा हुआ है, ना आज तक उनकी कोई डॉक्टरी हुई ना। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इन दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और महिलाओं को न्याय मिले और दोषियों को जेल मिले।